गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, यहाँ बना रही हूँ मैं चाय और दूसरी तरफ मैंने आलू बॉईल करके उसका मसाला तैयार किया है आलू के पराठे बनाने के लिए। बच्चों के टिफ़िन में आज यही जाएगा। ब्रश करना हो भैया तो नहाने गया। उठो उठ बेटा, उठो 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 प्लीज उठ जाओ बेटा, ब्रश करना लेट हो जाएगा, मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। उठ जाओ फटाफट, उठो। एक बार तो तू उठ गया और वापस सो रहा है। एक बेटो उठ जा प्लीज, सोने दो। दिन में आके सोना, स्कूल से आने के बाद सोना बेटा, अभी सोने का टाइम नहीं है। अभी कौन आ जाएगा? तो तू ब्रश करना उठ के, टाइम देख तू पौने सात हो रही है, तू आएगा कब, तू ब्रश कब करेगा फिर। मुझे प्रिंस को रोज़ ऐसे ही उठाना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे। वो एक बार उठता है, फिर फ्रेश होता है, फिर वापस सो जाता है। और जब 15-20 मिनट रहते हैं ना स्कूल जाने के, तब वो उठ के और फटाफट तैयार हो के और जल्दी जल्दी दूध पी के और स्कूल भागता है। कभी कभी तो 5 मिनट ही रह जाते हैं स्कूल। बड़े बच्चों के कम कंपटीशन होते हैं, छोटे बच्चों के ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए क्योंकि क्यों फालतू, क्या चीज़ है, कंपटीशन तो कंपटीशन होता है यार बेटा। रंग बिरंगे कपड़े पहन के नाचते, कौन नाचता, कोई नाचे पता है? क्यों नहीं नाचता रंग बिरंगे कपड़े पहन के भाई, जिसको शौक होता है वो तो रंग बिरंगे कपड़े पहन के ही नाचता है। नाचे थोड़ी ना, वो तो हिस्सा लिया होगा ना, वो तो देखा कि कौन अच्छा कर रहा है। अच्छा, मैडम ने देखा होगा कि कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो फाइनल राउंड तो बाद में होगा। मेरा घर पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। अभी कपड़े लेके ही आया दादी, और मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सो रही थी कब से, अभी अभी उठी हूँ। और उठ के अब मुँह धो लेती हूँ क्योंकि सिर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मेरे। पर अब बच्चों के कुछ ना कुछ बनाना तो पड़ेगा ही सही। और पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा ही सिर में दर्द हो रहा था, और टेबलेट भी ली थी मैंने पर समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चाय भी बना लेती हूँ और बच्चों के खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि लेट हो जाएगा तो फिर अभी व्रत चल रहे हैं तो फिर पतिदेव भी आ जाएंगे। और देखो ये जो मैं जली थी ना, उसका निशान अभी तक भी है, इतना घाव सा हो गया है, बहुत ज़्यादा जल गई थी उस दिन मैं, तो उस दिन मैंने कोलगेट लगाया था इसमें। तो मैं बना रही हूँ चाय और दूसरी तरफ मैंने आलू उबालने के लिए रखे हैं, ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी। और आज हरियाली मावा से तो घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है आज, क्योंकि यहाँ पे फूट रही है, फूट गई। कैसे फूट गई सॉस की बोतल, कैसे फूटी? हाँ तो उसकी फूटती, पर जो साइकिल पे गया था पैदल थोड़ी ना गया था, एक के साथ एक खरीद मैंने चढ़ा दी है। अभी खीर बनने में टाइम लगेगा, अभी अभी चढ़ेगी है मैंने खीर। और ये मैंने ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए आलू छील के रख लिए है, अभी मसाले मिलाने सारे बाकी हैं। और ये मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, उसके लिए मैंने मसाला तैयार करके रखी है। ये काम वगैरह हो गया खीर, पर अभी सारे बर्तन पड़े हैं, बर्तन धोने हैं मुझे, बस वही कर रही हूँ। जब तक मेरी खीर में भी उबाली आ जाएगी जब तक मैं बर्तन धोऊँगी जब तक लोग। और ये खीर मेरी जो मैंने कहा जैसे कि उबाली आ जाएगी, तो इसमें उबाली आ गई है खीर में, और बर्तन भी मेरे धुल गए हैं, और बाल पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जो तो मैंने जूड़ा बनाया था बर्तन धोने से पहले अच्छे से, पर खुल गया, पता ही नहीं चला कब खुला। अब जब तक थोड़ी देर खीर उबलती है मैं थोड़ी देर वेस्ट करूँगी, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इस वजह से। बारिश पड़नी शुरू हो गई है और मैं अंदर ब्रेड पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हो गई खीर मेरी बन गई है, बस अब तो पकोड़े पकोड़े बनाने हैं और सब्जी बनानी है, साथ के साथ बना लूँगी और आटा भी लगा लूँगी। सही टाइम बाहर आ गई थी, सही टाइम पे बारिश आई, ब्रेड पकोड़े बन जाएंगे। वो तो मैं पहले भी बना रही थी ब्रेड पकोड़े, तो बेटा मना थोड़ी ना किया था मैंने। तो आ गई हूँ मैं अपने किचन में और कर लेती हूँ अपना काम सारा फटाफट से। हैं मज़े भी आ जाएंगे, खाते खाते मजे आ जाएंगे। हैं ठंडा ठंडा मौसम, गरम गरम ब्रेड पकौड़े, हैं मुझे तो गरम गरम कोई खिलाता ही नहीं है, मैं तो बना के फिर खाना पड़ेगा मुझे तो। हैं तो पनीर मैंने कट कर लिया है और इसमें से आधे मैंने पकौड़े के लिए कट किया है और आधे की मैं सब्जी बनाऊंगी, दो पैकेट थे। और ये आलू का मसाला रेडी हो गया है, बेसन का घोल भी कर लिया मैंने ब्रेड पकौड़ों के लिए। और
ये मेरे ग्रेवी तैयार है। बस वो कढ़ाई में सब्जी चढ़ाऊंगी, पहले पनीर को अच्छे से पका लेती हूँ। जिस दिन घर नहीं जा पाती हूँ मम्मी के यहाँ पे या फिर ससुराल में, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है मेरा, पता नहीं क्यों, क्योंकि वहाँ पूरी फैमिली साथ होती है और यहाँ पे भी खैर फैमिली पूरी है, पर एक वहाँ की फैमिली की बात अलग हो जाती है। पनीर की सब्जी बना रही हूँ, उसकी पकौड़ी बना रही हूँ, फिर क्या मतलब? ओ, दे दो, सही बात है, तू ही नहीं है मेरे लाडला। मेरे वो भी वो गया, उसको उसको पता नहीं चलेगा मतलब क्या है, बेटा तो मेरा ही है ना। हाँ, मैं गद्दारी थोड़ी ना करूँगी माँ बन के। किसके आलू बड़े बना देंगे दो काम, किसके बनते हैं, किसके बनते थे? सब्जी मेरी पनीर की बन गई थी, और अब इधर मैं जो मेरे ब्रेड पकौड़ों में मसाले भर के और तैयार करके रखे थे उसमें बेसन अच्छे से लपेट के और कढ़ाई में डाल दूंगी। बच्चों को पसंद आते हैं मेरे ब्रेड पकौड़े, और साथ के साथ में मैं पनीर की पकौड़ी भी बना रही हूँ क्योंकि पतिदेव को बहुत पसंद है। तो बन के तैयार हो गए ब्रेड पकौड़े, अच्छे लग रहे हैं। गरम गरम हाथ में दो, एक तो गरम ही नहीं है बेटा। पनीर की जो पकौड़ी होती है ना वो अंदर से मतलब सॉफ्ट होती है और बाहर से इतनी कुरकुरी मतलब बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए फिर पति देव को क्या है कि सब्जी तो कम पसंद आती है और ये पकौड़ी तो खैर खा लेते हैं। तो मैंने आधी जो पनीर थे उसकी तो मैंने सब्जी बना ली है, और ये आधे थे तो मैंने पकौड़े बना लिए हैं। इसमें घेवर लेके आए हैं, तुझे घेवर चाहिए? घेवर कुछ चाहिए तो क्या चाहिए, पकौड़ी पनीर वाली है? दो चीनी मैंने बनी, दो चीनी दो, ज़्यादा नहीं दो, बस। हरियाली मस्त हो गई आज तो, मीठा मीठा हो गया, भगवान को भोग लगा देते हैं। और इसमें पता नहीं क्या लगे, जलेबी शायद, मालपुआ, मालपुआ है इसमें।